मराठी विषयात तुमचे स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 6वीचा पाठ 4 माहिती घेऊया शिकणार आहोत। आपल्या देशात अनेक थोर शास्त्रज्ञ होऊन गेले आहेत। माहिती घेऊया या पाठामध्ये अशाच एका थोर भारतीय शास्त्रज्ञाविषयी आपण माहिती घेणार आहोत। त्यांचे नाव आहे डॉक्टर वसंत गोवारीकर। डॉक्टर वसंत गोवारीकर हे फार महान शास्त्रज्ञ होते। 1965 त्यांनी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थेत उपग्रह तंत्रज्ञानावर कामाला सुरुवात केली होती। त्यांचे हवामानाचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी त्यांनी बनवलेले मॉडेल हे गोवारीकर मॉडेल म्हणून प्रसिद्ध आहे। चला तर या महान शास्त्रज्ञांची जीवनाविषयीची माहिती आणि संशोधनाविषयीची माहिती या पाठात आपण घेऊया। तो आइए बच्चों, माहिती घेऊया इस पाठ में। आज हम डॉक्टर वसंत गोवारीकर जी के संशोधन के बारे में और उनके जीवन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल याची देशभर चिंता असते। ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर। बच्चों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। खेती करना हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय है और खेती के लिए आवश्यक है पानी की, बारिश की। इसीलिए बारिश कब होगी, कितनी होगी, ज़्यादा होगी कि कम होगी, यह किसानों के साथ साथ देश भर के कई लोगों को चिंता रहती है। और यही चिंता दूर करने के लिए डॉक्टर वसंत गोवारीकर जी ने मानसून के यानी बारिश के अंदाज की एक नई पद्धत ढूंढ निकाली। डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला। शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या। एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावी। अवघे 13 वर्षाचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली। हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नाही म्हणून त्यांनी मित्राची मदत घेऊन मराठीत लिहिलेल्या पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले। हेनरी फोर्डने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवली, त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवली। त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणीच दिसून आली। डॉक्टर वसंत गोवारीकर जी का जन्म 25 मार्च 1933 में पुणा शहर में हुआ। गोवारीकर जी जब स्कूल में थे तब उनको बच्चों नई नई कल्पनाएं सूझती थी। बचपन में वो बहुत ही होशियार थे। एक बार उनके मन में आया कि उन्हें मोटार बनानी है, मोटार यानी फोर व्हीलर। उस समय वो सिर्फ 13 साल के थे और 13 साल की उम्र में उन्होंने ये सोचा कि मुझे मोटार बनानी है। और इसीलिए उन्होंने सीधा अमेरिका के हेनरी फोर्ड जी को पत्र लिखकर अपनी इच्छा बताई। हेनरी फोर्ड यह अमेरिका के मोटार कंपनी के संस्थापक हैं। हेनरी फोर्ड जी को मराठी भाषा समझ में नहीं आएगी, इसलिए डॉक्टर वसंत गोवारीकर जी ने अपने एक दोस्त की मदद से मराठी में लिखा हुआ पत्र अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके उनको भेजा। हेनरी फोर्ड जी ने भी डॉक्टर गोवारीकर जी के पत्र का उत्तर
तुरंत ही उनको भेज दिया और साथ में उन्होंने कुछ किताबें भी भेजी कि जिसमें मोर्टार के बारे में बहुत ज्ञान था। बचपन के इस प्रसंग से गोवारिकर जी की कुशाग्र बुद्धिमत्ता यानी तेज बुद्धि और दृढ़ संकल्प यानी निश्चित ध्येय के बारे में एक झलक हमें यहाँ दिखाई देती है। कोल्हापूरला पदवी पर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले। बर्मिंगहॅम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले। पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले। कोल्हापूर में उन्होंने अपनी पदवी तक की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए यानी उच्च शिक्षण के लिए वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे उन्होंने बर्मिंगहॅम विद्यापीठ में यानी बर्मिंगहॅम यूनिवर्सिटी में उन्होंने रासायनिक अभियांत्रिकी विषय में संशोधन किया। रासायनिक अभियांत्रिकी यानी केमिकल इंजीनियरिंग इस विषय में उन्होंने संशोधन किया। बर्मिंगहॅम यूनिवर्सिटी यह इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी नामी रिसर्च यूनिवर्सिटी है और आगे उन्होंने इंग्लैंड के ऊर्जा संशोधन केंद्र में यानी एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक संशोधक के रूप में काम किया। विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले। घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला। भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे। अग्निबाणाच्या मोटारीकरता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले। विक्रम साराभाई एक महान भारतीय अणुसंशोधक थे जिनके आग्रह खातर 1967 में गोवारिकर जी ने भारत के अवकाश संशोधन केंद्र यानि आकाश अंतराल संशोधन केंद्र में काम करने के लिए शुरुआत की। आगे उन्होंने घन पदार्थ की ऊर्जा, घन यानि भरी पदार्थ या वस्तु, उसकी ऊर्जा के विषय के संशोधन में उन्होंने नया प्रकल्प शुरू किया। भारत के विज्ञान क्षेत्र में डॉक्टर वसंत गोवारिकर जी ने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया हुआ है। अग्निबाण के मोटर के लिए यानि रॉकेट के उड़ने के लिए उसके अंदर एक जो ज्वालाग्रही पदार्थ होता है वो पदार्थ बनाने का तंत्र भी गोवारिकर जी ने विकसित किया। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि इस पाठ से डॉक्टर वसंत गोवारिकर जी ने हमारे देश के विज्ञान क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया है, उन्होंने क्या क्या संशोधन किया है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है और मुझे आशा है कि ये पाठ आप ज़रूर समझ गए होंगे। शब्दार्थ: मानसून पावसाळा, अवघे फक्त, थेट सरळ, कुशाग्र कुशल चतुर, बुद्धिमत्ता मती, दृढ ठाम पक्का, चुनूक झलक, संकल्प ध्येय, ऊर्जा शक्ती, अवकाश अंतराळ आकाश, घन पदार्थ भरीव पदार्थ, प्रकल्प उपक्रम, इंधन ज्वालागायी पदार्थ, तंत्र नियमबद्ध पद्धत, टिपा हेनरी फोर्ड अमेरिकेतील फोर्ड मोटार कंपनीचे संस्थापक, बर्मिंगहॅम विद्यापीठ इंग्लंडमधील एक संशोधन विद्यापीठ, विक्रम साराभाई थोर भारतीय अणुसंशोधक, अग्निबाण रॉकेट। रिकाम्या जागा भरा मुलांनो, यामध्ये रिकामी जागेत भरलेल्या शब्दाखाली तुम्हाला अंडरलाईन करायची आहे। एक, डॉक्टर गोवारिकर यांनी पावसाच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली पावसाच्या। दोन,
शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या. कल्पना. 3. डॉक्टर गोवारीकर यांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला. धन्यवाद.